में पेपर दिया था पुलिस का। अच्छा अच्छा, 17 तारीख को फर्स्ट मिनट में पेपर दिया था, 115 क्वेश्चन मैंने सही किया। अभी मेरा उमर घर पे है, आप कोई मिला सकता है चल के। 115 क्वेश्चन मैंने सही किया था, अगर ईमानदारी से होता सर मेरा 100% हो गया होता। लेकिन इन्होंने, हमने जब बाहर निकला मैं सर, मतलब नाश्ते कूदते निकला, मतलब पेपर इतना छा गया है। घर पे गया, मम्मी पापा बोल दिया भैया, माता जी सबसे पैर छुआ, मैंने बोला कि अब की हमारा जॉब पक्का है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, नौकरी लगने वाली है मेरी। लेकिन फिर जब 18 तारीख बहन कल भर में ही पता चला मतलब पेपर लीक हो गया। फिर हमने सोचा अगर पहले फिर हमने सोचा छोटे मोटे असर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आ जाएगा हमारा, हम मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन जब देखे हमने बहुत बड़ा मतलब धांधली हुआ, फिर हमने सोचा भैया वैकेंसी अगर कैंसिल हो जाए तो हम लोग भलाई हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग होंगे नहीं और धांधली बच्चे हो जाएंगे। फिर अब वैकेंसी कैंसिल हुई, हमने ठंडी में सर 3 महीने मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने पेन किलर इतना खाया था, मतलब मैं सो नहीं रहा था, बिल्कुल 6 घंटे बस सो रहा था मैं। लाइब्रेरी मेरी अभी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, मैं 6 घंटे बस सो रहा था, बाकी 18 घंटे में मतलब मैं 3-4 घंटे खाने में दे रहा था, बाकी मैं कहाँ 15 घंटे लगभग पढ़ रहा था रोज़ के रोज़ सर, मैं रोज़ बता रहा हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ रहा था, इतना पढ़ा था, आँख सूज गए थे, मुँह सूज गई थी लोग मेरे। अब बताइए इतना मेहनत करके हम लोग पेपर देने गए थे, अब जब पेपर लीक हुआ फिर बताइए हम लोग रोने से वक्त, मतलब सरकार पेपर नहीं करवा पा रही है भर्तियां। सरकार देखिए सर, कोई भी अगर एक कोई एक छोटी सी घटना होती है ना उसमें सरकार जिम्मेदार होता है, नेता जिम्मेदार होते हैं। आजमगढ़ से यहाँ रहने सर हमको 5 साल हो गए, 5 साल 2019 में आया था 12 पास करके, 5 साल हो गए सर। अब अभी घर वाले बोल रहे हैं मतलब 5 साल हो गए तुम क्या करोगे, अभी सभी लोग मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि क्या, हाँ क्या करे तुम। अब सर ये मैं पहले मुझे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, रूम का भाड़ा बढ़ता जा रहा, मकान मालिक तानाशाही कर रहे हैं हमारे यहाँ, कोई 4,000 ले रहा है प्लस बिजली भी ले रहा है, आप बताइए 4,000 पे कहाँ। छात्रों का यहाँ पे शोषण हो रहा है, जल्दी से नौकरी लगे यहाँ से, छोटा मुद्दा सर हमारा, सरकार इस पे कोई मतलब, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था मेरे पिछले वीडियो, आप बताइए यहाँ छोटा भगाड़ा दिख लीजिए, कबाड़ा मतलब है एकदम, बिल्कुल कबाड़ा गाँव है, आप देखे बाढ़ आती है, अभी बाढ़ रहने वाली भागेंगे बच्चे यहाँ से, 4,000 पे भाड़ा है, 4,500 भाड़ा है प्लस बिजली बिल है। अब हाँ मतलब मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, सबके बात कर रहा हूँ, मतलब इतना दिक्कत है, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देने वाली है। ये बच्चे जो हैं यही सर भविष्य बनाएंगे, यही देश चलाएंगे, कोई इसमें बाबू बनेगा, कोई इसमें अधिकारी बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, देश हम ही लोग चलाना है। लेकिन हमारे पर कोई ध्यान नहीं देगा सर, फिर हम लोग करेंगे क्या, बच्चे कहाँ करप्शन करते हैं, जब इतना शोषण हुआ रहता है सर जी, जब इतना शोषण हुआ है बच्चों का, मतलब बच्चे रात दिन खाना बना के मेहनत कर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं पा रहे हैं, जब जॉब आखिरी जर मर के पा रहे हैं, घर वाले ताना बोली गांव वाले सुन के, कोई जब जॉब पाएगा सर तो जबरदस्ती कान तानाशाही करके जब करप्शन करके सर पैसा निकालेगा। थोड़ा थोड़ा सब लोगों से, हाँ बिल्कुल सर, बस छात्र मुद्दा सर सब लोग बताएंगे। दो प्रश्न पूछूंगा, आप बताइए सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं रोजगार नीति को लेकर के? संतुष्ट नहीं है, अभी हम लोग TGT बिजली की तैयारी करने वाले हैं, अभी भी इन्होंने अपना खुद डाटा दिया था कि लगभग 22,000 सीटें खाली हैं, निकाला इन्होंने कितना 2022 में, सिर्फ 5,000 सीटें, 5 से 6,000 सीटें, बाकी सीटें अगर बची हैं तो उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? 2 साल हो गया फॉर्म भरे, 2 साल फॉर्म हो गए, परीक्षा नहीं हो रही है, आयोग 18% GST अलग से ठोक के बैठे हैं, ठोके कि नहीं ठोके, आप बताइए। सही कह रहे हैं, यहाँ पर मतलब आपकी जो है पद कम आ रहे हैं, पद नहीं जोड़े जा रहे हैं, नहीं जोड़े जा रहे हैं, अब खुद सरकार अपना ब्यौरा निकाल के देती है एजेंसियों के द्वारा कि यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, जब उसको निकालना होता तो उसका 5% 5-6% इतना वैकेंसी निकाल रही, बाकी सीटें खाली रखी। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ हमको हो गया लगभग 7 साल। आप किसी तैयारी कर रहे हैं सर? हमें CGL की प्रिपरेशन करते हैं। सरकार से संतुष्ट है? वोट देंगे सरकार को? नहीं सर, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन सर मेरा कहना, मेरा नहीं नहीं रोजगार को लेकर के। हाँ सर, मेरा एरिया है हमारे, मतलब लोग तो बोलते हैं जैसे घाव होता है आपको ना, तो मतलब दवा तो सबको जरूरत है, लेकिन वहाँ जाकर जैसे 5 किलो राशन या ये सब, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ लोग गुमराह हो जा रहे हैं। मैं तो लोग बोलेंगे वैकेंसी आएंगी, ऐसा क्यों भाई, इलेक्शन के टाइम क्यों वैकेंसी आएंगी, आपको तो सोचना तो चाहिए। और अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ जो 5 साल TGT PGT की जो भर्ती है इसको पंचवर्षीय की योजना कहा जाता है, यहाँ TGT PGT की भर्ती को पंचवर्षीय की योजना कहा जाता है, 5 साल में वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, वो भी पाक साफ नहीं पूरी होती है। तो बस कोई भी सरकार बने वो इस पर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र हैं 5 साल 10 साल से तैयारी करते हैं, अपनी जवानी घिस देते हैं यहीं पर, और एक तो देश आज़ाद हुआ वहाँ पे लोगों की जवानी चली गई, और एक ये समय है कि लोगों की जवानी पढ़ने में जा रही है। छात्रों का कहना पेपर लीक हो रहा, भर्तियाँ रुकी हुई है, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है, और पदों की संख्या कम हो रही है, SSC वगैरह की जो भी भर्तियाँ आती है। सवाल है सर, एक वैकेंसी आई है मौके पर चल रही है सर, जूनियर असिस्टेंट वाली, आपने सुना होगा 5500 जी, कनिष्ठ सहायक वाला जी सर, वैकेंसी आई सर 2023 में,
अभी एक डेढ़ महीने पहले से उसका मतलब कट ऑफ जारी किए हैं, मतलब हम लोग कितने पेट के थ्रू कितना कट ऑफ लेंगे, 15 नंबर कट ऑफ दिया उन्होंने। अब बताइए इतना स्लो चल रहा है उनका, हम लोग सर उसके लिए तैयारी करें, मतलब कब यूपी ट्रिपल एससी की तो बात ही करना बेकार है, वो 2016-15 तक की भर्ती है अभी तो ही सर। सर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जिम्मेदारी है, बच्चे थोड़ी जाएंगे सर समझाने के लिए, लेकिन सरकार सर जानबूझ के करवा रही है। आप सोचिए कितनी जल्दी पेपर ये लोग कराए हैं पुलिस वाला, सरकार ने कराया ना, सरकार ने, सरकार चाहेगी सर तो पुलिस वाला पेपर फिर अगले 2 महीने में कराया जाएगा और 3 महीने अगले महीने में रिजल्ट देंगे, फिर अगले महीने दौड़ करा लेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है सर ये। तो सर योगी जी अब तो 5 साल रहने ही वाले हैं 27 तक, तो उनसे यही मतलब रिक्वेस्ट होगा कि आप ध्यान दीजिए प्लीज़, अपने चुनाव से बढ़ के हम लोग बच्चों के हैं, ध्यान दीजिए, मतलब आप हम ही से आप हैं, आपसे हम नहीं हैं, आप नहीं होंगे हम जाके सर सरकार संभालेंगे सर, तो आप हमसे हैं हम आपसे नहीं हैं, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दीजिए सबको, सब बच्चों के ऊपर, और वैकेंसियाँ जल्दी जल्दी भराइए। ठीक सर, धन्यवाद।